वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव और रोकथाम से जुड़ी तैयारी की समीक्षा के लिए सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव गुमला पहुंचे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर टीकाकरण व महामारी के रोकथाम से जुड़े प्रबंध का जायजा लिया। 100% टीकाकरण के माध्यम से ही महामारी की कारगर रोकथाम की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों को आगे आने की अपील की। उन्होंने स्वयं आह्वान किया कि सभी लोग टीका अवश्य ले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच भी अवश्य कराए। बिना जांच कराए अनावश्यक इधर उधर घूमने के कारण बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए खुद अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए जाँच अवश्य करना चाहिए और पॉजिटिव होने पर घर में रहकर सरकार के बताए निर्देशों का पालन करते हुए स्वास्थ्य लाभ हासिल करना चाहिए। मंत्री डॉक्टर उरांव ने कहा कि फिलहाल वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं होने के कारण 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की राज्य में शुरुआत नहीं हो सकी है। उन्होंने 15 मई के बाद 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की बात कही। विश्व के अन्य देशों में दूसरे लहर का प्रसार होने का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे विश्व में ये बीमारी फैली है। भारत में दूसरी लहर भले ही अब शुरू हुआ है किंतु अन्य देश में सेकंड फेज पहले गुजर चुका है। बावजूद इसके समय रहते केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक इंतजाम ना होने के कारण हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। मंत्री ने दावा किया कि राज्य के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। जिले के अधिकारियों द्वारा समीक्षा के दौरान भविष्य में ऑक्सीजन की और अधिक आवश्यकता जो गिनाई गई है उसे लेकर भी श्री उरांव ने शीघ्र आवश्यक बंदोबस्त की बात कही। जिला मुख्यालय के स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की पहल का जिक्र करते हुए मंत्री ने आश्वासित किया कि थर्ड फेज के पूर्व हम हर प्रकार से पूरी तरह तैयार रहेंगे। मंत्री डॉक्टर उरांव ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री को इसके लिए अनुरोध भी किया है। विश्व में ये बीमारी चल रही है। यहाँ सेकेंड फेज अभी शुरू हुआ, देश विदेश में दूसरे जगह पहले जैसे इंग्लैंड में हो, यूके कहिए, इंग्लैंड में कहते हैं यूके कहिए, यूएसएसआर कहिए या फिर यूएसए कह लीजिए, सेकेंड फेज पहले चल चुका और हमारे देश में केंद्र सरकार इस बात की इसको गंभीरता से नहीं ली। नतीजा यही हुआ कि देश तैयार नहीं रहा सेकेंड वेव को सहने के लिए, इसकी तैयारी हमने नहीं किया, इसको फेस करने सहने नहीं फेस करने के लिए। तो ये गड़बड़ी हुई केंद्र की सरकार की ओर से, उसका खामियाजा हमको सहना पड़ा। बहरहाल यहाँ दिक्कतें हैं, जिस रूप में जिस महामारी फैल रही है, हाँ हमारी तैयारी उतनी नहीं है, इस पर दो मत नहीं है। बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, रेमडेसिविर की कमी है। ये बताएं आपको हम कि ये भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे हमको देसी रेमडेसिविर हम पैदा नहीं करते हैं, ऑक्सीजन भी हम पैदा नहीं करते हैं, वो स्टील कंपनी वाले करते हैं जो केंद्र सरकार के जिम्मा में है। इस तरह से हमको तैयार रहना चाहिए, देश को भी और झारखंड को भी, लेकिन तैयार नहीं हो रहे इसलिए बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास साधन पहले से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। हम इससे हम लड़ रहे हैं, रांची जाके देखिए और जगह जाके यहाँ भी देख लीजिए, ये छोटे छोटे जगहों में भी बेड बनाए गए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, रेमडेसिविर भी पर्याप्त मात्रा में अभी अभी के अनुसार है यहाँ पर। लेकिन समीक्षा होने पर यही पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का आप जब भी मांग कीजिएगा हम रांची से दिलाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठाइए खूब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय का अस्पताल है, यहाँ हर अस्पताल मुख्यालय अस्पताल में प्लांट बैठाने की बात चल रही है और यहाँ भी हम लोग बैठाएंगे, यहाँ भी प्लांट बैठेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला। तो इस तरह से भविष्य में अगर थर्ड फेज आया जिसके चांस ज़्यादा है लोग कर रहे हैं, तो इस बार हम तैयार रहेंगे उसको फेस करने के लिए, ये कहना चाहते हैं।
आसान तरीका है इसे बचने के लिए, इसे रोकने के लिए, वो है टीका लेना। अभी टीका पर्याप्त संख्या में हमको मिला नहीं, बात बता रहे थे, सीएस बता रही थी, किसी बता रहे थे, वो शुरू किए टीका देने का, लेकिन बीच में खत्म हो गया। जब आएगा तो शुरू करेंगे। दूसरा यह कुछ गलतफहमियां को भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं, टीका से ये हानि होगी, वो हानि होगी, तो उससे खैर हम लोग निपट जाएंगे। उसका तरीका हम लोग को मालूम है, उस भ्रम को हम लोग दूर करेंगे, माना सामाजिक तरीके से या जो धर्म गुरु हैं उनको सहायता लेकर के इस भ्रम को हम दूर करेंगे। लेकिन अभी भी हम कहेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि भैया सबसे सटीक इसकी दवा अगर है कोई, इसको रोकने की दवा, वो है टीका। इसलिए जब आपको मौका मिलता है टीका जरूर लीजिए। टीका लेने के बाद भी हो सकता है हो आपको, लेकिन घातक नहीं होगा, वरना वो वरना घातक नहीं होगा, लेकिन टीका लेना जरूरी है। यही आपसे अपील करूंगा, आपके मार्फत से, लोगों से, गुमला के भाइयों बहनों से, कि टीका जरूर लें और टेस्ट भी कराएं। टेस्ट नहीं करा करके आप अपने नुकसान सा रहना है शरीर में, और दूसरा कि जहां जहां घूम रहे हैं वहां आप स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, आपको तो मालूम नहीं कि आप कोरोना संक्रमित हैं, बिना टेस्ट के घूम रहे हैं तो बिना जाने हुए कि आपको कोरोना है कि नहीं है, जहां जहां घूमिएगा वहां वहां लोगों को होगा, तो आप इसको फैला रहे हैं। बेहतर ये है कि आप टेस्ट करा लें, और जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो घर में रहें, खाना लोगों को, नौकरी करते आप रिमुनरेशन पाते हैं, मजदूरी करते हैं तो वेजेज पाते हैं आप, लेकिन ज़्यादा मजदूरी करते हैं, ज़्यादा घंटा रहते हैं तो ओवर टाइम को मिलता है, ओवर टाइम। अभी क्या है, जितने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोग जो हैं, एक तरह से ओवर टाइम बेचारे कर रहे हैं। तो ये मत था पिछले कोरोना पीरियड में भी कि इनको एक महीना का अतिरिक्त दिया जाए, अतिरिक्त वेतन दिया जाए एक महीना का, वो एक तरह से ओवर टाइम कर लीजिए, ओवर टाइम खटेंगे तो ओवर टाइम मिलना भी चाहिए, सिद्धांत ही है ना, यही है। अब इससे ज़्यादा मांग को भाई, मान लीजिए नौकरी करते हैं तो आपको मिल जाएगा, और जो नौकरी नहीं, हमारा छोटा भाई नौकरी नहीं करता तो उसको क्या मिल रहा है, आपका छोटा भाई नौकरी नहीं कर रहा तो उसको क्या मिल रहा है, सब हम ही को मिल जाए नौकरी करने वाले परिवार को, तो नौकरी नहीं करता है तो कौन सा गुनाह किया वो कि उसको नहीं मिलेगा। समाज को ले के चलना होता है, हमको बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं होता है। हाँ हम ओवर टाइम किए हैं, व्यवस्था होती है ओवर टाइम की, हमको ओवर टाइम का पैसा मिले, ये मैं समझता हूँ। मीडियाकर्मी को मिले, मीडियाकर्मी भी आप हैं, सब अपने दुबके हुए हैं घर में, लेकिन आप घूम रहे हैं, आप इसके चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी के, तो आपको अलग ढंग की प्राथमिकता मिलनी चाहिए, आपको भी सुरक्षा होनी चाहिए, आपको भी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आपको भी पहुँचानी चाहिए, उससे लाभ आपको पहुँचाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अब 18 से 44 साल, जब सब 18 से 44 साल के आप ही लोग हैं, तो इसमें आपको लाइन क्यों लगना पड़ेगा, आपको प्राथमिकता पर टीका दिया जाना फ्री मिलना चाहिए, एक दूसरा के प्राथमिकता पर मिलना चाहिए। अब एक घंटा दो पाँच घंटा तक लगे नहीं रहिएगा लाइन में, तो अपना काम में खत्म हो जाएगा, काम कहाँ काम कीजिएगा। तो इसके लिए हमने कहा, कल चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी को, कि प्राथमिकता के आधार पर इनको टीका दिया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।